हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं यूजीसी नेट के। बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं सोच रही थी 20 क्वेश्चन ले आते हैं, बट मुझे लगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन लाओ जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँ और साथ ही जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर अवेयरनेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे यानी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो सब लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देखो, सना, अनीता, गुलफ्शा, विशाली, असलम, पूजा, तरन्नुम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूँ, साथ साथ आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने, आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। आंसर करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डैश यानी क्लिंदा ब्लैंक में पहली बार 32 बिट संचालन शुरू किया गया था, किसने? अभी देखो ध्यान से, विंडोज 9.5, विंडोज 3.0, विंडोज 3.11 या फिर नन ऑफ द अबव। इस समय क्या है कि आपका एग्जाम आ रहा है, यही टाइम है 14 अक्टूबर तक जो आपका एग्जाम का टाइम है, इसलिए कभी भी क्लास हो सकती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कभी भी मैं सरप्राइज क्लास ले सकती हूँ। पहली आपको, ठीक है, अभी देखो प्रॉपर आ रहा है। जारी किया था, इसने विंडोज 3.1 में कई फीचर सुधार किए। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली बार बिट 32 बिट ऑपरेशन पेश किए गए थे, जिसमें विंडोज 3.11 में। अभी ठीक है कि नहीं? अभी ठीक है, देखो जरा सा वॉइस का। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2, वॉइस ब्रेक हो रही है, देखो मेरी वॉइस आ रही है आप सबको, आप सही है? चलो क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई अज्ञात व्यक्ति या फर्म आपको संवेदनशील बैंक और ऑनलाइन भुगतान की जानकारी के लिए भरोसेमंद या आकर्षक तरीके से मेल भेजता है तो क्या मामला होगा वो? अब ठीक है, चलो वेरी गुड, आंसर करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन सम unidentified unknown person from sends you mail in trustworthy lucrative way asking for sensitive banks and online payment information, this is case of? Question number 2, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिशिंग। फिशिंग क्या चीज होती है? जब इसका इस समय एड भी आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस समय इस चीज का एड भी आ रहा है, फिशिंग से संबंधित जो ऐड है, गूगल इस समय ऐड सबसे ज्यादा ऐड कर रहा है, गूगल के थ्रू आरबीआई ऐड करवा रहा है फिशिंग के बारे में, कि आप मत फंसिए। एक साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट संदेश द्वारा लक्ष्य या लक्ष्य से संपर्क किया जाता है और आपके संवेदनशील डेटा को चुराने की कोशिश की जाती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के विवरण या पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। एज अ पर्सन वर्किंग इन इंटरनेट एनवायरनमेंट, व्हाई यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिक्शनरी अटैक। अब ये डिक्शनरी अटैक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 स्टक भी कर रहा है, वॉइस भी लो आ रही है, वॉइस का पता नहीं क्या पंगा आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक। अभी बताओ जरा, अभी प्रॉपर है?
अभी ध्यान से देखो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। एज अ पर्सन वर्किंग इन इंटरनेट बैंकिंग एनवायरनमेंट, व्हाई यू शुड बी अवेयर ऑफ डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक क्या चीज होती है? मंदीप, राधा, जारा, शिवा, क्या होती है डिक्शनरी अटैक? ओके है ना? चलो, डिक्शनरी अटैक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका उपयोग पासवर्ड निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू डिटरमाइन अ पासवर्ड। डिक्शनरी अटैक क्या चीज है? देखिए, पासवर्ड से सुरक्षित कंप्यूटर या सर्वर में सेंध लगाने की एक विधि। यह एक शब्दकोश में प्रत्येक शब्द को पासवर्ड के रूप में व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। किसी संदेश या दस्तावेज को डिस्क्रिप्ट करने के प्रयास में एक शब्दकोश हमले का उपयोग किया जाता है, वो कहलाता है आपका डिक्शनरी अटैक। ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपके पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। और ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए आपको दिमाग में थोड़ा सा आप लोगों को हिला देंगे, क्योंकि आप कहोगे यार ऐसे क्वेश्चन तो यार रह ही गए हमारे। डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क यूजुअली कम अंडर क्वेश्चन नंबर 4। ओके है ना? चलो, ये डॉन क्या चीज है? ये डॉन आपके कंप्यूटर में भी डॉन है, पता है? डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये डॉन भाई सब किसमें आते हैं? चलो देखते हैं, शांति जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5G। डॉन यानी डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क प्रोजेक्ट जटिल और गतिशील वायरलेस संचार नेटवर्क का एक सामान्य सिद्धांत विकसित कर रहा है, जो कि 5G के अंतर्गत आता है। ठीक है, 5G के अंतर्गत आता है, और ये 5G की इस समय टेस्टिंग चल रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो गया अब। नंदिनी, शांति, आंसर करो इस क्वेश्चन का। इंटरनेट ब्राउज करते समय हम भंडारण के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जो डेटा प्रवाह की विभिन्न गति या घटनाओं के समय के लिए अस्थायी रूप से संसाधित होने की प्रतीक्षा कर रहे डेटा के ब्लॉक को पकड़कर क्षतिपूर्ति करता है। ऐसे क्वेश्चन आज मजेदार हैं, थोड़ा सा आप लोग अगर एक्टिव मोड में हो ना तो मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैशे, बफर, फ्लैश, ट्रैश, आज वो क्वेश्चन है जो तुम लोग सोच नहीं सकते हो। रीति, आंसर करो बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट आंसर इज बफरिंग, ऑप्शन नंबर बी, बफर। बफरिंग का अर्थ है संगीत या मूवी चलाना शुरू करने से पहले एक निश्चित मात्रा में डेटा डाउनलोड करना। यह डाउनलोडिंग डेटा का प्रबंधन करता है और अस्थायी रूप से डेटा को भी रखता है। बफरिंग रिफर्स टू डाउनलोडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा बिफोर स्टार्टिंग टू प्ले द म्यूजिक और मूव और मूवी। इट मैनेज द डाउनलोडिंग डेटा एंड टेम्पररी होल्ड द डेटा एज वेल। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू ब्रजेश। बच्चे ऑसम ऑसम क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और इवन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तरन्नुम आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज कंप्यूटर एज अ कंट्रोल सिस्टम फॉर फंक्शनिंग। कौन सा उपकरण कंप्यूटर को कार्य करने के लिए नियंत्रण प्रणाली के रूप में उपयोग करता है? ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, याद है आपको? लीशा आंसर कर बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। इंडस्ट्रियल रोबोट, रिमोट कंट्रोल्स, माइक्रोवेव ओवेंस या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये आपका यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन अ ह्यूज अरेना ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड एक्ट एज अ सेकंड सेल्फ टू ऑल ऑफ अस। दिस एक्ट एज अ कंट्रोल सिस्टम इन अ नंबर ऑफ हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल डिवाइसेस लाइक इंडस्ट्रियल रोबोट, माइक्रोवेव ओवंस,
रिमोट कंट्रोल स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर। शीलेश, इसी में तो टाइम लग जाता है यार। तुम लोग सोचते हो कि मैम किधर गई, और मैम उस समय अपना दिमाग लगा रही होती है तुम लोगों के बराबर एक्चुअली में क्वेश्चन तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के PYQ रेडी हैं, तुम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ते हो, बट कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उससे कैसे क्वेश्चन एक्चुअली में आएंगे वो है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर? गुड आफ्टरनून चंद्रिका, आंसर करो बेटा जल्दी से। किसे दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है? Z1, Z2, Z1, Z3 या फिर none of the above? कांचू गुलफसा, आंसर दो बेटा। दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित, पूर्ण स्वचालित का मतलब है जो ऑटोमेटिक है यानी खुद से ऑपरेट होता है, उसको ऑपरेट करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते जाओ आंसर। ऑप्शन नंबर सी Z3 किसने बनाया था? Z3 ऑटोमेटिक डिजिटल यहां पे कंप्यूटर है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, किसने डेवलप किया? स्क्रीन पे आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर करिए। किसने फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्राम कंप्यूटर डेवलप किया? बिल्कुल सही, कोनार्ड जूस ने इसको किया था, Z3 को बनाया था। याद रखना ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहला स्वचालित है ये। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए, याद पढ़ते जाना, इसीलिए ये पूरी PDF दिखाती हूँ कि बेटा तुम लोग सब पढ़ते भी चलो साथ साथ, ठीक है। कौन सा एक त्वरित पहुंच योग्य स्थान है जो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए उपलब्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विकली एक्सेसिबल लोकेशन विच इज अवेलेबल टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? किसको किसको लगता है मेरे को ICT में पढ़ने की जरूरत है, और किसको लगता है कि नहीं पढ़ने की जरूरत है, कर लेंगे। मेमोरी, बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से मुझे बताना, फुल फॉर्म ऑफ बायोस, फुल फॉर्म ऑफ बायोस क्या है जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर रजिस्टर। जरूरत है ना, रिवीजन की जरूरत है, इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता रही हूं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं डालूंगी, आप लोग को ये लगेगा कि यार ये चीज तो हमारी छूट गई है ना। चलो ध्यान से देखो, बायोस का फुल फॉर्म, वेरी गुड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक प्रोसेसर रजिस्टर एक त्वरित पहुंच योग्य स्थान है जो कंप्यूटर के CPU के लिए उपलब्ध है। रजिस्टरों में आमतौर पर थोड़ी मात्रा में तेज भंडारण होता है, और यह केवल पढ़ने के लिए या केवल लिखने के लिए हो सकता है। शीलेश बेटा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बिकॉज ये टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। लिंक अवेलेबल रहता है, हमारी वेबसाइट है, वो भी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। यहाँ पर इंडिया लॉजिक के कम से कम 100 क्वेश्चंस, रिसर्च एप्टीट्यूड के भी इतने सारे क्वेश्चन, कम से कम 1000 से ज़्यादा तो PDF है आपके टेलीग्राम पे भी और वेबसाइट पे भी। तो थोड़ा सा बच्चों थोड़ी मेहनत कर लो इसको डाउनलोड करने में, ठीक है ना, पूरा कंटेंट अवेलेबल है। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का, हाउ आर रजिस्टर्ड मेजर्ड? रजिस्टर्ड को कैसे मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हिमांशु आंसर करो जल्दी से, ICT के शॉर्ट, ठीक है, कराती हूँ बेटा, ठीक है। रजिस्टरों को कैसे मापा जा सकता है? कार्यक्रमों की संख्या के द्वारा, बिट्स की संख्या के द्वारा, घटना की संख्या के द्वारा, या संदर्भ बिंदुओं की संख्या के द्वारा?
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिट्स की संख्या के द्वारा। बिट्स की संख्या, ऑप्शन नंबर बी बिट्स की संख्या के तौर पे, यानी रजिस्टर को आमतौर पर बिट्स की संख्या से मापा जाता है। 8 बिट रजिस्टर, 32 बिट का रजिस्टर, ये सब चीजें, नंबर ऑफ बिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करिए। विच वॉज द अर्लीस्ट कमर्शियल नॉन किट माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला वाणिज्यिक गैर किट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, आपके कंप्यूटर, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यही क्वेश्चन आएंगे। MIR सीरीज, माइक्रोलैन, डाटा पॉइंट, HP 9800, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये PDF भी आप सबको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, लेट सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोल एन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रोल एन। क्या है ये? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित सबसे पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल गैर किट माइक्रो कंप्यूटर था। इसे 1972 में बनाया गया। इसके केवल कुछ 100 इकाइयां ही बिकी थी। माइक्रोल एक फ्रांसीसी कंपनी R2E के द्वारा निर्मित कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट, चलिए अभी देखिए प्रॉपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करिए। गुड आफ्टरनून विजय। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस डेट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी OMR या ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीस। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। स्कैनर को क्या करते हैं? उसमें लाइट नहीं आती है। लाइट से क्या किया जाता है? एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। जब आप स्कैनिंग करवाते हो तो क्या होता है? पूजा क्या हुआ बेटा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा। आप लोग ना, यही होता है कि NTA हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत इजी दे, लेकिन तुम लोग इस चक्कर में कि आसान तो आएगा ही नहीं, उस चक्कर में आप लोग उसको भी टफ बना देते हो। एक छवि स्कैनर, जिसे अक्सर केवल स्कैनर के लिए संक्षिप्त करते हैं, एक ऐसा उपकरण जो वैकल्पिक रूप से छवि, मुद्रित पाठ, लिखावट या किसी वस्तु को स्कैन करता है, एक डिजिटल छवि में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा के पूछा जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिए और देखिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपका क्या हाल हो रहा है इस समय। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। क्वेश्चन नंबर, थैंक यू जारा। क्वेश्चन नंबर 12, और साथ में ही आपको थोड़ा मैं काम भी बढ़ाती जाऊंगी, क्योंकि कम कम करने का कोई मतलब ही नहीं है बच्चे। आप लोग FTP का, SMTP का, टेलनेट का और SNMP का फुल फॉर्म भी बताते चलिए। सब क्वेश्चन न्यू ही लग रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, और ऐसे ही लगेगा दूसरे देश के क्वेश्चन। ये तो पूछा गया क्वेश्चन है UGC NET में। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? ये तो आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी गुड। SMTP क्या होता है? अगर आपको फुल फॉर्म आता है तो आराम से कर लोगे। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? तो हुमा, अगर SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो यहां पर मेल की बात तो करी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर बोला क्या गया है कि
ईमेल सुविधा प्रदान करने वाली बात, तो यहाँ पे अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप आराम से बता नहीं दोगे कि ऑप्शन नंबर बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसीलिए कहती हूँ भैया तुम लोग यार इसको फुल फॉर्म को रट लो। SMTP का फुल फॉर्म प्रहलाद, सिंपल ट्रांसफर। बच्चे सिंपल ट्रांसफर नहीं होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक TCP/IP प्रोटोकॉल है। ये स्टेटमेंट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसका इस्तेमाल ईमेल भेजने और प्राप्त करने में किया जाता है। स्टेटमेंट टू बनेंगे क्वेश्चन यहाँ से। चूंकि यह प्राप्त करने वाले छोर पर संदेशों को कतारबद्ध करने की अपनी क्षमता में सीमित है, आमतौर पर दो अन्य प्रोटोकॉल जो कि POP3 और IMP में से एक के साथ प्रयोग किया जाता है, उपयोगकर्ता को सर्वर मेलबॉक्स में संदेशों को सहेजने और सर्वर से समय समय पर डाउनलोड करने की अनुमति देता है। SMTP आमतौर पर इंटरनेट पोर्ट 25 पर संचालित करने के लिए कार्यान्वित की जाता है। कई मेल सर्वर अब एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं। एक्सटेंडेड भी लग गया है जो मल्टीमीडिया फाइलों को भी ईमेल के रूप में डिलीवर करने की अनुमति देता है। SMTP, ये क्वेश्चन तो बेटा आपका आएगा ही आएगा। बताया था ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ TCP/IP प्रोटोकॉल यूज इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। सिंस इट इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी टू क्वी मैसेज एट द रिसीविंग एंड इट इज यूजली यूज विद वन ऑफ अदर टू प्रोटोकॉल्स जस्ट लाइक POP3, IMAP दैट लेट द यूजर सेव मैसेजेस इन अ सर्वर मेल बॉक्स एंड डाउनलोड देम पेरियोडिकली फ्रॉम द सर्वर। SMTP यूजली इज इम्प्लीमेंटेड टू ऑपरेट ओवर इंटरनेट पोर्ट 25। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पोर्ट पर यूज होता है या इम्प्लीमेंट होता है। एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? डेट अलाउ मल्टी मीडिया फाइल टू बी डिलीवर्ड एज ई मेल। बहुत ध्यान से इनको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये मत कहना कि ये नहीं आता है। आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। साक्षी आंसर करो बेटा, आज ही सब लोग जाके पूरे प्रीवियस ईयर के ICT को चट करो। बिल्कुल सही, ये आता है। कंप्यूटर की मूल संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी? न्यूमैन के द्वारा, वेबर्स के द्वारा, पास्कल या गार्डन बूर? देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, चलो देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसका किसका सही है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए पूजा का सही है, जारा का सही है, शांति वेरी गुड बेटा, गुलफसा का सही है और लीशा का सही है। बाकी सबको क्या हो गया भाई? गोल्डी का सही है, सचिन असलम। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। 1945 में प्रोफेसर जे वॉन न्यूमैन ने उस समय फिलाडेल्फिया के मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जो कार्यरत थे, इनियक बनाया था जो उनके सहकर्मियों के एक समूह की ओर से जारी किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर के तार्किक डिजाइन की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो यहाँ सही आंसर आर्किटेक्चर से संबंधित है, न्यूमैन। और फादर कौन है कंप्यूटर के? इन हाउ मैनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? गुड आफ्टरनून कौशिक, थैंक यू। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3, 4, 5, 6 या नन ऑफ दीस? चार्ल्स बेबेज, वेरी गुड। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इज इनियक, वेरी गुड हुमा। कितनी पीढ़ी है यानी कितनी जनरेशन हैं आपके कंप्यूटर की? चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर सी 5 बिल्कुल सही है, 5 जनरेशन है। कितनी है? 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और बताइए, फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था?
यहाँ पर ये जो आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5th जनरेशन है ये सबको पता है, बट ये जो आपको ये जो पूरा डाटा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका जहाँ पर कंप्यूटर का जनरेशन और उसके ईयर पूछे जाते हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि जनरेशन, पहले जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपके इस तरीके के एक्सप्लेनेशन से अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे अगर अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा है तो। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन VLSI। VLSI का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? जनरेशन 5 USLI माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन का ईयर 1946 to 59, सेकेंड जनरेशन ईयर 59 to 65, थर्ड जनरेशन 65 to 75 71, फोर्थ जनरेशन 71 to 90 80। अच्छा, इस समय कौन सी जनरेशन चल रही है, प्रेजेंट टाइम पे कौन सी जनरेशन चल रही है ये कौन बताएगा? इस समय जो कंप्यूटर है, वेरी गुड कौशिक, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पूजा, वेरी गुड। प्रेजेंट टाइम पे कौन सी जनरेशन है? 5th। वेरी गुड जॉब। और 5th जनरेशन की लेटेस्ट जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं? 5th जनरेशन की लैंग्वेजेस के एग्जांपल दो जल्दी से। 5th जनरेशन चल रही है इस समय, साथ ही आंसर भी करते चलो और जो मैं पूछती हूँ वो भी बताते चलो। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सिस्टम नॉलेज, VVLSI, नन ऑफ द अबव। अरे इंग्लिश नहीं बेटा, पाइथन है, पाइथन लैंग्वेज जो आपकी है वो 5th जनरेशन है। वेरी गुड हुमा। हुमा का मैं पिन कर रही हूँ मैसेज, बिकॉज ये बिल्कुल सही है। हुमा हुमा के मैसेज को मैंने पिन किया है कमेंट सेक्शन पे, देखिए। 5th लैंग्वेज जो है आपकी, 5th जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज जावा, स्विफ्ट, पाइथन, रूबी, SSL, पर्ल, PHP, बैश। वेरी गुड जॉब बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, 5th जनरेशन। दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, USLI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को किस पीढ़ी में पेश किया गया था? दूसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, दूसरी और चौथी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, या ये सभी में? माइक्रो प्रोसेसर, IPv4 कब आया था भाई, कौन बताएगा, कौन से ईयर में? IPv4 बताओ भाई, क्वेश्चन आंसर करो जरा। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज बिल्ट ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। वॉट इन द 1st जनरेशन फिल्ड और एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। ये तो अलग हो गया। द इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971 लोकेटेड ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर ने चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लाया सिलिकॉन चिप पर हजारों एकीकृत
सर्किट बनाए गए। पहली पीढ़ी में जो पूरा कमरा भरता था अब एक हथेली में फिट हो गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो गई थी। 71 में 404 इंटेल चिप आए थे। कंप्यूटर के सभी घटकों को सीपीयू और मेमोरी से इनपुट आउटपुट नियंत्रण तक एक ही चिप पर स्थित रखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, फुल फॉर्म भी बता दीजिए जरा इनके। कोई बात नहीं, वरना आंसर करो। इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? वोलाटाइल का मतलब है स्थाई, नॉन वोलाटाइल का मतलब है अस्थाई। यानी अगर लाइट चली गई तो आपका मेमोरी जो है या आप जो काम करो वो उड़ जाएगा। ये क्वेश्चन आता है आपका एस रैम, डी रैम, रोम, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। जय, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी रोम। रोम का क्या मतलब है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि मान लीजिए जब आपके मान लीजिए काम कर रहे हैं, लाइट चली भी गई तो भी क्या रहता है, ये मेमोरी जो है वो बनी रहती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम गैर वाष्पशील मेमोरी है जिसमें पढ़ने केवल पढ़ने लिखने के लिए मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फेरोइलेक्ट्रिक अधिकांश प्रकार के चुंबकीय कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम बंद होने पर भी आप इसे मिटा या संशोधित नहीं कर सकते। कंप्यूटर निर्माता जो हैं या जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं रोम चिप पर कोड लिखते हैं और उपयोगकर्ता इसमें परिवर्तन या हस्तक्षेप नहीं कर सकते। GUI स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, 15 सेकेंड मिलेंगे सिर्फ इसके लिए। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस और नन ऑफ दीस। डी ऑप्शन धोखा दे देता है। अभी एनटीए के जो क्वेश्चंस होंगे ना, अभी देखियो तो सही उसका क्या हाल होने वाला है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है ये? कंप्यूटरों को टेक्स्ट आधारित कमांड के विपरीत चित्र और एनिमेशन जैसे ग्राफिकल तत्वों के माध्यम से डिवाइस के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। पढ़ लो एक बार ध्यान से। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ कंप्यूटर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द डिवाइस थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज पिक्चर एंड एनिमेशन एज अपोज टू टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 90। आंसर करिए, सबसे ज्यादा ऑप्शन, उनका कोई भरोसा नहीं है। असलम को ए को कर दें, उनका कोई भरोसा नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किए गए किसी भी डेटा या निर्देश को क्या माना जाता है? एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इंफॉर्मेशन और नन ऑफ दीज। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग से सोच के आंसर करो, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहां पे गलत हो गया, यहां पर इसका गलत एक्सप्लेनेशन लिख दिया मैंने। रुक जा रुक जा रुक जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर, कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किए गए किसी भी डेटा या निर्देश को क्या कहा जाता है? भंडारण यानी कि स्टोरेज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन में देखिए, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज, वह समय जिसके दौरान कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य को संसाधित किया जाता है क्या कहलाता है? हेलो रूबी, आंसर करो।
ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो एग्जैक्ट आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं है जो मतलब क्या बताएं कि जैसे आ रहे हैं ना वैसे ही मैं डाले हुए हैं आज। किसी कार्य को संसाधित किया जाता है किसी वह समय जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को संसाधित किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एग्जीक्यूशन टाइम, निष्पादन समय, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। निम्न में से कौन सर्किट कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है? देखो तुम लोगों को क्वेश्चन के आंसर आते हैं, बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि तुम लोग बस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। कौन सा सर्किट कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी 21 सही आंसर सौरभ बिल्कुल सही है, फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है ये फ्लिप फ्लॉप? अ फ्लिप फ्लॉप और लैच इज अ सर्किट डेट हैज टू स्टेबल स्टेट्स एंड कैन बी यूज टू स्टोर स्टेट इंफॉर्मेशन एज अ मेमोरी डिवाइस। फ्लिप फ्लॉप या लैच एक सर्किट है जिसमें दो स्थिर अवस्थाएं होती हैं। इसका उपयोग राज्य की जानकारी को यानी मेमोरी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व करो इसे। एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं, ठीक है? रंजीत आंसर करो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर अवेयरनेस के। अभी देखो प्रॉपर दिख रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी आकार के रूप में व्यक्त किया जाता है किसमें? अर्चना आंसर करो, बाइट्स में, किलोबाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट्स में या नन ऑफ दीस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी, मेगाबाइट। मेगाबाइट डिजिटल जानकारी के लिए यूनिट बाइट का एक गुणक है। द मेगाबाइट इज अ मल्टीपल ऑफ द यूनिट बाइट फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन। इट रिकमेंड यूनिट सिंबल इज MB। द यूनिट प्रीफिक्स मेगा इज मल्टीप्लायर 106 इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करिए। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आ जाए। कोई बात नहीं गोल्डी, जो भी अगर आंसर नहीं भी कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को सुनो, क्योंकि सुनने से भी एक तरीके की स्टडी है, ठीक है? और जो चीज दिख रही है वो तो वेल एंड गुड है। इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज नहीं है? रेड हैट लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेज, ओपन ऑफिस या नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेड हैट लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स रेड हैट का एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे व्यवसायियों के लिए डिजाइन किया गया है। RHEL यानी आपका रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स डेस्कटॉप पर, सर्वर पर, हाइपरवाइजर में या क्लाउड में काम कर सकता है। थैंक यू लीशा, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गए जहां पे आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, देन क्या करेंगे हम? इनमें से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? लिनक्स इज नॉट फ्री, यस। फोटोशॉप एडोब द्वारा एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है। लिनक्स मुफ्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है।
लिनक्स का स्वामित्व और बिक्री माइक्रोसॉफ्ट के पास है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी भी सॉल्व करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लिनक्स फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसे माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य कंपनी के द्वारा नहीं बेचा जाता। थैंक यू सरोज। अच्छा, किसको किसको लग रहा है कि क्वेश्चन उनके काम के हैं? किसको किसको लग रहा है कि यार आज जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो नेचुरल सी बात है यार, उनको हेल्प करेंगे ही करेंगे। किसको मजा आ रहा है आज के क्वेश्चन में ये बता दो। साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी देना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। मजा आ रही है भाई पढ़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्या मजा। वो क्या कहते हैं ना कि अगर हमें तैरना आता है तो सीधी धारा में अगर बह रहे हैं तो क्या मजा, उल्टी धारा में तैर के देखो तो पता चलेगा कितने बड़े तैराक हैं हम। काम के है ना, अगर देखना ही है कि हमें कितनी तैराकी आती है तो क्या करना है, उल्टी धारा में बह के देखो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो जो क्वेश्चन हमारे लिए नए भी हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। एक नंबर क्वेश्चन, चलो वेरी गुड। एन एरर इज ऑल्सो नोन एज, एक त्रुटि के रूप में किसे जाना जाता है? बग, डीबग, कर्सर, आइकन या नन ऑफ दीज। डूब जाएंगे विजय? अरे भैया डूबो नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर ए बग। कंप्यूटर प्रोग्राम, एन एरर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एरर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे बग कहा जाता है, और जब इस एरर को फिक्स कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड डीबग। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को बग के रूप में जाना जाता है और बग को ठीक करने के लिए डीबग का यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। मजा आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जल्दी बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड आउटपुट सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज 70% आईसीटी। बच्चे आज मैंने जो ये टॉपिक उठाया है ना, इसमें आपका सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेट, नेटवर्क सब चीज आएगी। पूरी चीजें, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कवर किया हुआ है आज मैंने। ठीक है, बस तुम लोग आंसर करते चलो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलिए ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बनाया किसने है इसको? माइक्रोसॉफ्ट, ये जो वर्ड है जिसे एमएस वर्ड कहते हैं, इसका एक्सटेंशन क्या होता है कौन बताएगा? हु विल टेल मी द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड? एक्सटेंशन बताइए बेटा। आईसीटी फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पीवाईक्यू मैराथन रात में लूंगी रूबी। ठीक है, रात को लूंगी बेटा, रात को ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करूंगी कि आज इंडियन लॉजिक या डेटा इंटरप्रिटेशन करा दूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉट डॉक्स, वेरी गुड। प्रेजेंट टाइम पे डॉट डॉक्स चल रहा है। किसके द्वारा बिल्डअप है या किसके द्वारा बनाया गया है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर? मैं अपडेट दे दूंगी, टेंशन नहीं लो बेटा। आप लोग बस क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। डॉट डॉक्स आफ्टर विंडोज 2007, वेरी गुड। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, टेसल, जिन्सबर्ग, क्रे और नन ऑफ दीज। सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा है मैंने। इंडिया का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? इंडिया का नहीं पूछा, यहां पे वर्ल्ड का पूछा गया है, ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर कई दशकों तक सबसे तेज कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC में सिमोर के द्वारा बनाए गए। सुपर कंप्यूटर एक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर के प्रदर्शन वाले कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रदर्शन मिलियन निर्देश प्रति सेकंड यानी MIPS के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किससे मापी जा सकती है, तो दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लॉप्स। MIPS का फुल फॉर्म भी आएगा, MIPS का फुल फॉर्म बताइए। विजय भटकर, बिल्कुल सही विजय भटकर, बिल्कुल सही है। जो इंडिया है उसमें सुपर कंप्यूटर बनाने वाले। MIPS का फुल फॉर्म बताइए जरा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, याद रखना आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर करो। ग्राफिकल पिक्चर डेट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर एक्सेट्रा आर, चित्र में चित्र जो किसी वस्तु जैसे कि फाइल फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या कहलाते हैं? मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन होगा रूबी, मिलियन इंस्ट्रक्शन यानी एक समय में एक सेकेंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना, डेट इज कॉल्ड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर सी, आइकन्स, ग्राफिकल पिक्चर डेट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर इट इज कॉल्ड आइकन्स। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर करिए। NTA के फेवरेट टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके के होने वाले हैं। यहां पर मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के बारे में NTA ने पिछली बार भी पूछा था। Which of the following is not an advantage of magnetic disk storage? इनमें से कौन चुंबकीय डिस्क भंडारण का लाभ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29, सब लोग आंसर करो इसको पढ़ के, क्योंकि अगर आ गया तो आपको ध्यान से इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अरे भैया सब के सब गए, सब कहाँ चले गए भाई? जय का सही है, कहाँ गए भाई? डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और अभी यहां पर मैं पूछूं अगर आप लोगों से कि किस किसने सही आंसर किया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्या? या बीच बीच में कुछ नाम आएंगे, है ना? जैसे जय का नाम आएगा, निमंत्रण का नाम आएगा, तोते उड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल, लीशा का आएगा, पूनम का आएगा, तोते उड़ गए ना, बस समझ लो ऐसे ही तोते उड़ाने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 30, क्लास से बाहर, कान पकड़ के खड़ी हो जाओ, तुरंत चलो जाओ बाहर क्लास में। इसमें से पक्का बच्चे आएंगे कि कोई ना कोई, देखो कॉन्सेप्ट आपका यही रहता है, कंटेंट यही रहता है, क्या चीज चेंज होती है? सिर्फ उसका फॉर्म, ठीक है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। इसलिए ये मत सोचो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सोचो कि हमारा बेस, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आंसर करो बेटा दीनदयाल, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बाइट्स, किलोबाइट्स, डेसिमल बाइट्स या बिट्स? ऐसा हुआ था ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी, गणित और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बाइनरी नंबर, बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है कौन बताएगा? बाइनरी का बेस
नन ऑफ दीज होता है और हम खोजने में लग जाते हैं। यही तो बात है, इसी में तो टाइम जाता है बेटा, इसी में टाइम जाता है। बेस होता है दो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मान लीजिए आपके सामने मैंने एक डेसिमल नंबर दिया है 11, ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर करना है। आपको क्या आंसर करना है? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके आपको मुझे बताना है। 11 डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर आपको मुझे बताना है, किस पे? टेलीग्राम पे। चलो आगे चलते हैं। द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज, सब कहोगे यार मैम क्या पूछ रहे हो यार, फ्लॉपी डिस्क का साइज पूछ रहे हो? तो मैं बता दूं, पिछली बार वाईफाई की रेंज पूछी गई थी, ब्लूटूथ की रेंज पूछी गई थी, बाइनरी बहुत कम आता है। मैं कराती हूँ बेटा, रिवीजन करवाती हूँ बाइनरी की भी, ठीक है? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करवाती हूँ मैं, एक क्लास लेती हूँ जल्दी। पिछली बार वाईफाई की लेटेस्ट रेंज बताइए, ब्लूटूथ की जो लेटेस्ट रेंज है वो भी बताइए। द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज 4.5 इंच, 3.5, 3.25, 5.5। चलिए आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर बी, 3.5। कितना होएगा? सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो कितने साइज की होती है? 3.5 इंच की होती है, और जिसकी क्षमता कितनी होती है? 800 KB से 2.8 MB। नोट कर लेना, बिकॉज ये चीज आपसे पूछी जाएगी। ब्लूटूथ रेंज 100 मीटर, बिल्कुल। और ब्लूटूथ किस में आएगा? लैन कहलाएगा, वैन कहलाएगा, मैन कहलाएगा, कौन से नेटवर्क में आएगा? ब्लूटूथ को किस उसमें नेटवर्क में बोलेंगे? और 1.44 MB के मानक के साथ होती है हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क को पहली बार 1995 में पेश किया गया। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा क्या चीज? आपकी ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम कहेंगे पेन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा है आप लोगों को, आंसर करिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM? आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM? अब वैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपका पहले पूछे जाते थे मल्टीपल चॉइस में, कि चार ऑप्शंस दिए, ऐसे नहीं है, आएंगे बट कम आएंगे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, मैचिंग ज्यादा आएगी। अगर ये पता है तो आराम से मैचिंग कर लोगे, जैसे इनपुट आउटपुट की मैचिंग आ गई है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम IBM द्वारा जो निर्मित है वो है आपके क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर 1, OS। क्या आंसर होगा? OS। द वर्जन वॉज रिलीज ऑन 25 सितंबर 1996। OS2 इज अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM अंडर द लीडरशिप ऑफ IBM सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो इंजीनियर का नाम भी दिया है, एड इकोबुची इसका नाम है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 33 आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 33। वह प्रोसेसर जो अंक गणितीय और तार्किक संचालन करता है उसे क्या कहते हैं? द प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। अब भूल भुलैया क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। अब तो भूल भुलैया, देखो एक्चुअली क्या है, उनको आपका टाइम खराब करना है। NTA को पता है कि ये बच्चे इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, और जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पासिंग स्लॉट कितनी देनी है? 6%। तो नेचुरल सी बात है वो आपका समय बढ़ाएंगे, ठीक है? वे प्रोसेसर, क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 33 आंसर करो बेटा गीता।
ऑप्शन नंबर बी ALU। अगर फुल फॉर्म पता है तो आराम से आप समझ लोगे, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट। अब यहां से भी बच्चे स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, जस्ट लाइक कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, इट इज ट्रू और नॉट। सेकेंड स्टेटमेंट, इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। बोथ स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, ये आपको बताना है। मॉडर्न सीपीयू कंटेन वेरी वेरी पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स ALUs, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं ना आपको, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर करिए। विच वॉज द अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर? इसीलिए क्या होता है ना, जब पेपर स्टार्ट होता है NTA के वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पे एकदम शांति छा जाती है। सब लोग ये सोचते हैं कि यार अब क्या करें। प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? यूनिक, फंट्रिया, ब्रैनिया, इनियक। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनियक। इनियक का फुल फॉर्म जल्दी बताओ तो बेटा, पूछा जा सकता है। इनियक फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। वॉज अमंगस द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर मेड। इट वॉज ट्यूरिंग कंप्लीट डिजिटल एंड एबल टू सॉल्व अ लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थ्रू रीप्रोग्रामिंग। इनियक, ठीक है। उसके बाद विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन। विंडोज की जो सेटिंग है वो किसमें दर्ज की जाती है? कितने क्वेश्चन चाहिए? अभी एग्जाम आ रहा है, तुम लोग ये तो पूछो ही मत कि कितने क्वेश्चन। तुम लोगों को तो ये चाहिए कि मैम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और तुम लोग हिम्मत हार रहे हो यार, ये गलत बात है। तुम लोगों को तो चाहिए मैम यार और क्वेश्चन डालो यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें जिससे कंपटीशन फेस कर पाए। विंडोज की सेटिंग में क्या चीज दर्ज की जाती है? विंडोज डॉट आई एन आई, विन डॉट आई एन आई, सिस्टम डॉट आई एन आई, ग्रुप डॉट आई एन आई। हम हो ना अगर एग्जाम देने के लिए, मैम मोबाइल डिस्चार्ज है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये मैं देखो लैपटॉप में चार्जर लगा के कंटिन्यू काम कर रही हूँ, लैपटॉप इस समय वोल्केनो बना हुआ है, वोल्केनो बना हुआ है, भयंकर तरीके से हीट कर रहा है, बट मैं फिर भी क्लास ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यार ये टॉपिक अगर छोड़ दिया ना फिर आगे हो सकता है मैं ना पढ़ा पाऊँ। तो जो चीज़ जिस समय पे इम्पोर्टेंट है, होता क्या है, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है ना तो होता क्या है, उससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। अब जिसने उस चीज़ को पॉजिटिवली ले लिया उसका पेपर अच्छा हो जाएगा, जो ये सोचेगा यार मैं क्या करूं तो क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही, 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं आपके 3 आवर्स में, क्या होगा फिर? ऑप्शन नंबर बी विन डॉट आई एन आई, विंडो सेटिंग रिकॉर्ड की जाती है। ऑप्शन नंबर बी विन डॉट आई एन आई। अभी तो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे नहीं है, अभी तो और आगे क्वेश्चंस हैं, अभी तो आगे क्वेश्चंस है। अगर मैं अभी इतना डीपली वो करने लग जाऊं ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो क्या होगा। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? क्वेश्चन नंबर 36 इस समय जो क्वेश्चन आपके सामने, इस समय पता है क्या टाइम है आप लोगों का, इस समय ये टाइम है कि जितनी ज्यादा चीजें अपने सामने आ जाए, जितनी ज्यादा चीजें हमारे सामने आ जाए उतना बेटर। एटलीस्ट हम ये नहीं कह रहे कि रट्टा मार लो किसी चीज को, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जब आप मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये सच की बात बता रही हूं मैं आपको एक्सपीरियंस से, क्या होता है जब आप नहीं भी दोबारा पढ़ोगे ना इस चीज को, जब आप दोबारा देखोगे तो इंडियन जो ह्यूमन है ना, अपना जो माइंड है ना वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने इस क्वेश्चन को देखा, दिमाग में फीड कर लिया, तो जब ये दोबारा आपके सामने आएगा ना
तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा, अच्छा ईमेल भेजने की बात, अरे हाँ मैम ने पढ़ाई थी, अच्छा हाँ एसएमटीपी। ये है अपना नेचर, ये है अपना कंप्यूटर से ज्यादा तेज दिमाग है। आ रही है बात समझ में? इसलिए कोई क्वेश्चन हम ये नहीं कह रहे कि तुम लोग सबका आंसर करो या ना करो, लेकिन उसको देखो। वेन वॉज द फर्स्ट ई मेल सेंड? FTP यूज इन MIS, वेरी गुड। फर्स्ट ईमेल कब भेजा गया? गुड नून निधि, आंसर करो बेटा जल्दी से। इतने क्वेश्चन बनाने के लिए भी ना उतना ही दिमाग तुम लोगों को लगता है कि मैम 1 घंटा ले रही हैं, बट 1 घंटा मुझे उस कंटेंट को बनाने में भी लगता है, उसको रेडी करने में भी लगता है। आया था ना इस बार तो कौशिक, तुम्हारा एग्जाम सबसे लास्ट में है, तुम तो मौज में आ गए इस बार, है ना? इस बार तो टूरिज्म सबसे लास्ट में चला गया। द फर्स्ट ईमेल सेंट कब भेजा गया, जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। 1971 में, और सबसे पहले किसने ईमेल भेजा था? सबसे पहले किसने ईमेल भेजा था? दिख रहा है प्रॉपर? 1971 में रे टॉमलसन ने सबसे पहले, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ईमेल वॉज सिंपली अ टेस्ट मैसेज टू हिमसेल्फ, अपने आप को ही उन्होंने परीक्षण के तौर पर ईमेल भेजा था। अच्छा भानु बैक हो गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं मुझे नहीं पता था तुम्हारा क्रैक हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, आगे आगे भी सबका अच्छे से हो, मैं तो यही चाह रही हूँ, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? क्वेश्चन नंबर 38, रे टॉमलिंसन, ये आपसे पूछा जा सकता है। दो तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट बनेगा आपका कि कौन से ईयर में पहला ईमेल सेंड किया गया, सेकंड आपका बनेगा कि किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सॉफ्टवेयर का एक सामान्य प्रकार है? कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? ब्लर दिख रहा है बेटा, एक बार वीडियो को बैक करके फिर से एक बार स्टार्ट करो तो आई थिंक प्रॉपर दिखेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर सी। किधर गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लग रहा है मेरे में खुद ही, एक मिनट, हीट हो गया ज्यादा ही सिस्टम, एक मिनट रुकना भाई। एक मिनट एक मिनट, सिस्टम हैंग हो रहा है, रुक जाओ यार, हैंग हो रहा है थोड़ा सा। मैंने बताया ना कि तुम लोग कह रहे हो ना, यहाँ इधर भी इश्यू है इतना, लेकिन बस वही है ना कि मैं सोच रही हूँ यार कवर हो जाए किसी तरीके से। चलो भाई आ गया थोड़ा सा, कहाँ पर हैं अब हम लोग, एक मिनट रुको जरा सा। यही सिस्टम वहां पर भी प्रॉब्लम करता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो बहुत से बच्चों के साथ लास्ट टाइम हुआ है कि सिस्टम जब उन्होंने ऑन किया है तो उनका सिस्टम स्टार्ट होने के बाद बंद हो गया, तो बेचारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए कि करें क्या, ठीक है? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगर वहां पर भी टेक्निकली कोई इश्यू आता है तो आप अपने जो वहां पे इंस्ट्रक्टर हो उनको आप बताइए कि हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अभी जुलाई वाले एग्जाम में भी आई है, तो इसलिए ये आपका फॉल्ट बिल्कुल नहीं है। इसका PDF बेटा आपको टेलीग्राम पर मैं अभी लिंक सेंड करूंगी, बाकी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये पूरा पढ़ना है आपको, बूट प्रोग्राम क्या चीज है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 39, आंसर करिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंकगणितीय तर्क इकाई,
लीशा तुम्हारे साथ भी हुआ था? लास्ट टाइम हुआ है जहां पर कंप्यूटर सिस्टम मतलब बंद हो गए थे सडनली। वॉच नहीं ले जा सकते बेटा, वहां पे ऑलरेडी आपके सिस्टम पे वॉच बनी होगी, उसी से ही आपको टाइम अपना देखना है। और अगर ऐसा हो ना कि सिस्टम में कोई इश्यू आए या कुछ भी टेक्निकल एरर आए, उनको बोलना, हल्ला कर देना, लेकिन एग्जाम छोड़ के मत आना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमें चलाना नहीं आता था इस वजह से एरर आई है, बट ये उनकी फॉल्ट है, आप लोगों की फॉल्ट नहीं होती उसमें। क्वेश्चन नंबर 39, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ALU का संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पूर्णांक बाइनरी संख्याओं पर अंक गणितीय और बिट वाइज संचालन करता है। रैम चिप्स, ये कौन सी चिप्स होती हैं? जीन्स चलेगा? बिल्कुल चलेगा बेटा, जीन्स पहन के जाओ, कोई टेंशन नहीं है। रैम चिप्स, ये कौन सी चिप्स है? चिप्स खाने का मन करने लगा ना, ऐसी चीजें पढ़ के चिप्स चिप्स याद आ जाता है। रैम चिप्स, सही बात है। अब देखो असलम पूछ रहा है जीन्स पहन के जा सकते हैं नहीं, अब वो अपने शूज की वो डाल रहा है ना, वो उसको लग रहा है कि जूते पहन के जाएंगे। नहीं बेटा, तुम नंगे पैर जाना एग्जाम देने, पिछली बार दे के आए हो फिर भी पूछ रहे हो, हद है। रैम चिप्स ऑप्शन नंबर ए क्या होती है? रैम चिप एक माइक्रोचिप है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के लिए रैम स्टोरेज के रूप में किया जाता है। ये वास्तविक चिप जिसे रैम कार्ड या स्टिक बनाने के लिए छोटे सर्किट बोर्डों पर मिलाया जाता है, और उसे मॉडल और निर्माता के आधार पर अलग-अलग प्रदर्शन और क्षमता के लिए रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर तुम लोगों को दिख ही गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर, ऑप्शन नंबर ए गणितीय गहन वैज्ञानिक अनुप्रयोग। इसका क्वेश्चन का आंसर दिख गया था इसलिए चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। हाँ, अगर गलत होता है तो आप उसको डिलीट करके क्लियर ऑप्शन आता है मेन वहां पे, और उसको सही कर सकते हो। वही तो मैं बता रही हूं ना, कि ये मत सोचो कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया था IPv6 एड्रेस के बारे में, इफ यू रिमेम्बर, 32 बिट्स, 128 बिट, 64 और 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर IPv6 एड्रेस इज 128 बिट्स लॉन्ग, 128 बिट्स लॉन्ग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, बड़ा क्वेश्चन है ना ये वाला, एक मिनट होल्ड करो जरा सा। वॉट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैन बी यूज टू हैव एन IP एड्रेस अलाउ मैनी यूजर्स टू कनेक्ट टू द ग्लोबल इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 43, IPV पूछा था लास्ट ईयर, IPV मैं बता तो रही हूं ना, ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपके 100% क्वेश्चन फंसेगा कोई ना कोई। क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट आंसर इज नेट स्टैटिक डायनेमिक या पेट, सही आंसर है पेट। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर डी पेट क्या होता है? ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए एक से कई दृष्टिकोण को अनुमति देता है, अलाउज अ वन टू मैनी अप्रोच टू नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 44, लेकिन कुछ अभी देखो दिमाग वालों ने आंसर देख लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, देखने के बाद भी सही कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 44, बिट्स और बाइट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, 128 बिट्स हैं वो, याद रखना।
अभी कुछ बच्चों ने देख लिया होगा, जो सबसे बड़े जुगाड़ू है ना, उनने पक्की बात है देख लिया होगा आंसर कि मैम ने क्या आंसर किया, तुरंत एकदम पार की नजर है। वॉट आर द टू मेन टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी ACL, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर, बॉबी देखा था कि नहीं देखा था आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर वन, यानी ऑप्शन नंबर वन स्टैंडर्ड और ऑप्शन नंबर थ्री एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। राउटर पर सुरक्षा को कॉन्फ़िगर करने के लिए मानक और विस्तारित एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का उपयोग किया जाता है। राउटर पर सुरक्षा को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ऑफ राउटर। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी जल्दी कर लो भाई, खत्म होने वाला है। एक आंख से देख लिया था, मैं बता रही हूं ना तुम लोग बहुत, अगर वहां पे 2 मिनट के लिए लाइट अगर चली जाए ना तो कॉपियां एक्सचेंज हो जाए, लेकिन अब कॉपी वाला सिस्टम इसीलिए इन्होंने हटा दिया, नहीं तो लास्ट टाइम ऐसे ही हो जाता था। नहीं, क्या लिखा है? व्हाट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ बैकअप कॉन्फिग्रेशन? इसीलिए तो वो इस समय घुमा घुमा के क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन की जो सीरीज है वो ऐसे रखते हैं कि किसी में वो क्वेश्चन नंबर वन पे होगा और किसी में क्वेश्चन नंबर वो लास्ट में होगा। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 45, सही आंसर, ओ यार यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, डुप्लेक्स वाला क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, तो डुप्लेक्स वाले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ। यू हैव 10 यूजर प्लग्ड इनटू अ हब रनिंग 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स, देयर इज अ सर्वर कनेक्टेड टू द स्विच रनिंग 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स एज वेल, हाउ मच बैंडविड्थ डज ईच होस्ट हैव टू सर्वर? अब देखो फिर से, निधि क्या है, दिख नहीं रहा प्रॉपर? हाँ दोनों में ही दिखाई देगा, अभी यहां पर भी महानुभाव हैं जितने, उनको दिख गया होगा आंसर और फटाफट आंसर आएगा। राज आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46। कोई बात नहीं, एक चीज ध्यान रखो, अगर हमें देख सकते हैं ना इसको, आंसर को देख सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ईच डिवाइस हैज 10 Mbps टू द सर्वर, यानी आप एक्टिव माइंड से बैठे हो, प्रॉपर आंसर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है तुम लोग एक्टिव माइंड से हो। कुछ लोग अभी सो रहे होंगे, उनको लग रहा है कि सोते सोते क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाएंगे, बट आप लोग एक्टिव माइंड में हो। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल? मुझे तो यही खुशी है कि तुम लोग एक्टिव मोड में हो। जिसको दिख नहीं रहा, आंख धुल आंख धुल ले भानु प्रताप। अरे यार भानु प्रताप से याद आया, वो मूवी का नाम क्या नाम था उस मूवी का, भानु प्रताप? प्रवाह नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? प्रवाह नियंत्रण का उद्देश्य जल्दी बताओ भाई। वैशाली, क्वेश्चन नंबर 47 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? फ्लो कंट्रोल अलाउ द रिसीविंग डिवाइस टू कंट्रोल द ट्रांसमीटर सो द रिसीविंग डिवाइस बफर डज नॉट ओवरफ्लो, यानी प्रवाह नियंत्रण प्राप्त करने वाले डिवाइस को ट्रांसमीटर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है ताकि प्राप्त करने वाले डिवाइस का बफर ओवरफ्लो ना हो। क्वेश्चन नंबर 48, आई गो, अब देखो जरा, ये है यूजीसी नेट का पूछा गया क्वेश्चन, यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, सूर्यवंशम। यस, आज भी देख लो, मूवी मस्त लगती है, सोनी मैक्स का फेवरेट मूवी, बहुत बढ़िया मूवी। चलो आंसर करो, क्वेश्चन छिप रहा है, एक मिनट रुको जरा सा।
मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ, बाकी अगर नहीं दिख रहा है तो अभी मैं हिंदी में अलग से दिखा दूंगी, ठीक है? देखो एक बारी क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है बेटा। विच थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ फुल डुप्लेक्स ईथरनेट नेटवर्क? क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा है और अभी देखो इस बारी JRF को तोड़ देंगे। बिल्कुल यार, तोड़ के ही आना है। पूर्ण द्वैत इंटरनेट नेटवर्क के संचालन के बारे में कौन सी तीन चीजें सही हैं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको ये मैं PDF दे दूंगी, आराम से क्वेश्चन को बेटा एक बार पढ़ लेना क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। आई नो कि पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देख लीजिए। अब वायरस, ए अ प्रोग्राम, आई गो फिर से आ गया आंसर, एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है ना कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? ये वाला क्वेश्चन एक बारी पढ़ लेना फिर आंसर करना। हम एक बार पेपर, एक दिन पहले ही पेपर देने गए थे। वेरी गुड, सही आंसर देखिए सी, ट्रोजन। और ट्रोजन के बारे में आपसे पहले पूछा जा चुका है, आपको ईमेल करने वाली किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है, स्वयं ईमेल नहीं करता है, मजाक कार्यक्रम या किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में आ सकता है। ट्रोजन हॉर्स के बारे में पिछली बार बताया गया था, ट्रोजन हॉर्स पूछा गया था वायरस में, आपको वाम याद करना है। ये मैंने वायरस का जो लेक्चर लिया था उसमें ये चीजें क्लियर कराई थी, ठीक है? ट्रोजन, वॉर्म, हॉक्स और जोक प्रोग्राम। यहां पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा बच्चे, इसलिए नहीं दिख रहा है प्रॉपर क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और एग्जैक्ट मैंने ट्राई किया है कि जो UGC नेट में जिस तरीके का पैटर्न आएगा, ठीक है? एक बारी मैं जूम करके दिखा देती हूँ, इनके बारे में पढ़ना है। जोक प्रोग्राम, वर्म, ट्रोजन और हॉक्स, ये क्या क्या है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले आओ, ठीक है? चलो जल्दी से देख लेते हैं, क्वेश्चन खत्म ही है बेटा, एक बस एक दो क्वेश्चन बचे होंगे। चलो इसको पढ़ लेना क्योंकि आई नो ये बाउंस मारेगा आपको। वाईफाई और वाईमैक्स टेक्नोलॉजी में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, चलो इसको आप लोग ना पढ़ लेना क्योंकि यहाँ डिटेल तो मैंने दे दी है। ऑप्शन टू सही है, इसको करना तो तुम लोग ना अभी नींद आ जाएगी सच्ची में क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है और लेकिन पढ़ना है आपको। अच्छा, आप में से सच में किसको किसको JRF चाहिए और कौन से मतलब मूड के लिए डाल रहा है कि हाँ भाई चलो टाइम पास हो जाए? फॉर विच टाइप ऑफ कनेक्शन WPA सिक्योरिटी यूज? कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में जरूरत है JRF की, चाहिए ना? तो हमें क्या करना है कि जो ये मैं पढ़ा रही हूं ना इसको तो ध्यान से रखना ही है, उससे रिलेटेड जैसे ईथरनेट, ब्लूटूथ का डिफरेंस, ब्लूटूथ वाईफाई का डिफरेंस याद रखना है, स्टेटमेंट में आएगा। JRF चाहिए ना, जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखिए, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, यही टाइम है जो मेहनत कर लो बेटा, टाइम मत देखो, किसी चीज को मत देखो, अगर यही जो मेहनत है ना आपकी यही रंग ले आएगी, कोशिश करो कि इसी में ही निकल जाए। ट्रोजन, WPA सुरक्षा किस प्रकार के कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर थ्री वाईफाई। वाईफाई की रेंज, वाईफाई से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, WPA का फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है। ये डिटेल जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना, सिर्फ क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, द IEEE स्टैंडर्डाइज्ड ब्लूटूथ इज SIEEE 802.15.1। आ रही है बात समझ में? इसको पढ़ना है आपको, करा दिए हैं 50 क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। आपकी क्लास के बाद नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। नहीं, ऐसे हार नहीं माननी है, होगा 100% होगा। और पॉजिटिव लेके चलो, जो पढ़ा रही हूं एक चीज ध्यान रखना, मैं कभी भी तुम लोगों को इस तरीके से नहीं तैयारी करवाती कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए दूं,
मैं आप लोगों को ये समझ के तैयारी कराती हूँ, वो कंटेंट लाती हूँ जो मुझे लगता है कि अगर मैं तैयारी करती तो वो आप लोगों को फायदेमंद होगा, है ना। मैं कैसे तैयारी करती पेपर वन की, वो क्वेश्चन मैं उठाती हूँ, इसीलिए वो थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो जाता है, वो शायद हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैम कैसे क्वेश्चन लाते हैं, बट अगर मैं तैयारी करती तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ती, ठीक है ना। इसलिए अगर आप लोगों को लगे कि यार क्वेश्चन ऐसे हैं वैसे हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि सोना भी तभी निखरता है जब उसको बार बार हथौड़ी से मारा जाए, है ना। कहते हैं ना सोने की वैल्यू भी तभी बढ़ती है जब वो बार बार ठोका जाता है, तब वो वैल्यूबल बनता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं यार मुझे JRF चाहिए, तो मेरे साथ ठुकाई करने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन लाऊंगी, आप लोग उसको सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास रात को करेंगे, रात को 8:30-9 बजे के बीच में, मैं बता रही हूँ, याद रखो सब कर सकते हो। जब भी ये मन में आए कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, समझ लो आपसे हो पाएगा, क्योंकि इंसान अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेहनत करने हमारे हाथ में है, NTA क्या देता है वो बात की बात है। फर्स्ट पेपर की वजह से इस बारी फर्स्ट पेपर सबका अच्छा होगा, टेंशन मत लो। अभी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, जहां से आप लोग कंटिन्यू क्विज में भी पार्टिसिपेट करो, और किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन होती है तो देख लेना। और एक चीज, जो इसकी PDF है ना, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर करूंगी, ये मत सोचना कि सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी, कम्युनिटी पोस्ट भी चेक किया करो, वहां पर भी मैं क्वेश्चन डालती हूँ। यूट्यूब में वीडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी पोस्ट सब चीज देखा करो, मेहनत करने वाले बनो, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम लोग नहीं कर सकते। अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं रात को, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।